आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। जी हाँ, एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग हम बात करेंगे और एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज वीवीए फंक्शंस की और डेट एंड टाइम की फंक्शंस की बात करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कुछ डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में एक्सेल में। तो मैंने एक आर्टिकल से सारे लिस्ट निकाल रखे हैं, एक बार मैं लिस्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे हम एक इसको यूज करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आता है डेट का। वीवीए में डेट का फॉर्मूला करेंट सिस्टम डेट देता है, जैसे एक्सेल में आपका टुडे का फॉर्मूला है, ऐसे वीवीए में डेट का फॉर्मूला होता है। बात आती है डेट एड। याद होगा मैंने आपको एक्सेल में ई डेट का फॉर्मूला बताया था, जो कि किसी डेट में मंथ को ऐड करता है। ऐसे डेट एड है, इसमें आप कोई भी इंटरवल ऐड कर सकते हो, डे, मंथ, ईयर, क्वार्टर, एक डेट में। जैसे मान चाहते कि आज के डेट से 3 महीने बाद कौन सी डेट होगी, या 3 साल बाद कौन सी डेट होगी, 3 वीक बाद क्या डेट होगी, या 3 क्वार्टर वाइज क्या डेट होगी, वो डेट ऐड आपको पता है। डेट डीआईएफ डिफरेंस करता है, इसको हमने एक्सेल में इस्तेमाल किया था, 2 डेट के बीच में ईयर निकालता है। जैसे एज कैलकुलेशन आपको याद होगा कराया होगा मैंने एक्सेल में, वो डेट डीआईएफ का इस्तेमाल होता है। डेट पार्ट, इसमें क्या होता है कि ऐसे हमारे पास होता है डे, मंथ, ईयर, एक डेट में से हम पिक करते हैं। तो डेट पार्ट का काम वही है, ईयर पिक करना तो ईयर कीजिए, वीक पिक करना तो वीक पिक कीजिए, आपको मंथ, डे, क्वार्टर, ये हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। डेट सीरियल एक्सेल में जो डेट का फॉर्मूला है उस पर डिपेंडेंट है। ये आपको एक डेट मतलब कि अलग अलग से नंबर फॉर्मेट में आपने ईयर, मंथ और डे दिया है, उसको कंबाइन करके एक करता है। डेट वैल्यू अगर डेट टेक्स्ट में है, उसको डेट की वैल्यू को डेट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है डे, ये आपका डे अलग करता है। फॉर्मेट जो आपने पढ़ा है वही फॉर्मेट यहाँ है। आवर आवर मिनट करता है, मिनट मिनट, मंथ जो है मंथ अलग करता है। मंथ नेम, जैसे आपका मंथ 1, 2, 3, 4 के फॉर्मेट में है, इसको आप Jan 5 के फॉर्मेट में ला सकते हैं। नाउ करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम देता है। सीरियल, जैसे आपका डेट सीरियल है कि आपके पास डेट टाइम अलग अलग है, सॉरी डे मंथ ईयर अलग अलग है, तो यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं। तो डेट सीरियल भी क्या करता है, आपके पास अगर ईयर मंथ आवर मिनट अलग सेकेंड अलग अलग है तो उसको कंबाइन कर देता है। टाइम वैल्यू डेट वैल्यू की तरह है, अगर आपका टेक्स्ट में टाइम है तो कवर करता है। वीक डे, ये आपका बताता है कि महीने का कौन सा वीक चल रहा है 1, 2, 3 फॉर्मेट में। महीने का नहीं मतलब कि मंडे टू फ्राइडे में, मंडे को 1, ट्यूजडे को 2 लेता है। उसके बाद आता है वर्क डे। वर्क डे क्या करता है, सॉरी वीक डे नहीं, माफ कीजिएगा, वीक डे नेम क्या करता है कि अगर 1 से लेकर 7 के बीच में नंबर है, उसको संडे टू मंडे के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और ईयर, जाहिर सी बात, ईयर अलग करता है। अब चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम आपको दे देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं डेट ऐड फॉर्मूला कि एक पर्टिकुलर डेट में कोई इंटरवल आप ऐड कर सकते हैं। तो वीवी के लिए यहाँ पे मेथड दिया हुआ है, चलिए वीवी की मदद से कोई फॉर्मूला बना। हम यहाँ डेवलपर में आते हैं, विजुअल बेसिक पे, और यहाँ हम न्यू मॉड्यूल्स करते हैं, इंसर्ट, यहाँ देते हैं फंक्शन। फंक्शन में डीटी एड के नाम से फॉर्मूला बनाते हैं, डीटी अंडरस्कोर आएंगे एन एज ए डेट कॉमा इंटरवल आई एन एज ए स्ट्रिंग। आई एन रिजर्व फंक्शन है, इसे नहीं लेगा, मैं यहां पे कर देता हूं आई। चलिए हमने यहां पे डिम डेट एज ए डेट, तो डेट ही है तो डीटी कर देता हूं, डीटी एज ए डेट, और dt इक्वल टू डेट एड, और यहां पे इंटरवल क्या करना है, i, k
कितना नंबर करना है। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि यहाँ पे हमें और डिफाइन करना पड़ेगा num num as a log, यहाँ पे हो जाएगा num एंड फिर डेट कौन सा है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं n, कैलकुलेट हो गया। हम यहाँ पे dt underscore add इक्वल टू हम dt कर देते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ इसमें क्वार्टर ऐड करने हैं, वो भी दो, तो यहाँ पे हम dt add, हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको क्वार्टर ऐड करने हैं, कितना दो और किस में, इसमें यहाँ पे एरर आ गया वैल्यू का। एक मिनट दीजिएगा मुझे, क्वार्टर के लिए तो क्यू ही था, फॉर्मूला तो सही है पर रिजल्ट में एरर क्यों आ रहा है। आई एस स्ट्रिंग हो गया वो हमने यहां पे ई फाइव पहले दिया, देन एफ फाइव दिया, देन डी फाइव दिया। ओके मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ VBA में लगा के देखता हूँ। मुझे यहाँ पे क्वार्टर ऐड करने हैं किसके अंदर, कितने दो किसके अंदर, तो हमने यहाँ पे डेट डाल दिया, मैं यहाँ पे n एज ए डेट कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, तो मैं यहाँ पे n एज ए डेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आई एज ए लॉन्ग करता हूं, और यहां पे कॉमा टू को ले लेता हूं, ये आपका ऐड करके दिखा रहा है दो क्वार्टर। यहां पे मैं स्ट्रिंग करता हूं, और यहां क्यू के जगह पे हम एस ले लेते हैं। अभी भी आपको वर्क तो कर रहा है, आई देना था,
तो फिर हमारा ए फॉर्मूला क्यों नहीं वर्क कर रहा था? एम एज ए डेट सही था, नम एज ए लॉन्ग। अच्छा नम के जगह पे मैं एम कर देता हूं, आई एज ए स्ट्रिंग। नाम रिजर्व था इस कारण से ये नहीं दे रहा था, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके लिखता है। तो कभी कभी क्या होता है वीवीए में रिजर्व वर्ड होता है तो उसको एक बार चेक करना होता है कि मुझे क्वार्टर डेट स्ट्रिंग। सॉरी सॉरी हमें गलत लगा रहा था, माफ कीजिएगा। ये हमें पहले क्या देना है, ओ समझ गया, एंट्री गलत कर रहे थे। पहले देना है डेट, देन देना है क्वार्टर, देन देना है इंटरवल। आ गया रिजल्ट। जिस सीक्वेंस में हम यहाँ डालेंगे उसी सीक्वेंस में हमें बाहर भी डालना होता है। और डेट ऐड का फॉर्मूला किसी भी डेट में इंटरवल देता है। तो हमने क्यू लिया है क्वार्टर के लिए, आप एम मंथ के ले सकते हैं, वाई ईयर के लिए, डी डे के लिए, डब्लू वीक डे के लिए, एंड डबल वी डब्लू है वीक के लिए, आवर मिनट सेकंड के ले सकते हैं। ओके कोई डाउट इसमें? तो इसी तरह से आपका बाकी सारे फॉर्मूला है, डेट्स जो फॉर्मूले है। हमें लगता है कि इस फॉर्मूले में आपको कोई ऐसा फॉर्मूला मिलेगा जो कि आप ना लगा। जैसे मंथ नेम फॉर्मूला इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि एक्सेल में क्या होता है कि कोई भी डेट है तो हम यहाँ हम मंथ फॉर्मूले से उसका मंथ तो निकाल लेते हैं, पर मुझे इसके यहाँ पे यहाँ सैटरडे संडे मंडे चाहिए, वो हम नहीं निकाल पाते क्योंकि इसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला नहीं है। तो चलिए हम मंथ नेम का फॉर्मूला बनाते हैं। तो फंक्शन एम एन के नाम से बना दिया, एम अंडरस्कोर एन मंथ नेम, एन एज ए लॉन्ग क्योंकि नंबर होगा इसलिए हमने लॉन्ग ले लिया। फिर यहां पे हम करते हैं एम अंडरस्कोर एन इक्वल टू मंथ नेम, मंथ नेम, और यहां पे मंथ एज ए लॉन्ग मतलब कि एन, और यहां हमें ट्रू एंड फॉल्स देना है। तो ट्रू देने पे क्या होगा, इसका फुल नेम या शॉर्ट नेम दिखेगा। यहाँ पे मैं एम अंडरस्कोर एन लगा के देता हूं तो ये आपका ट्रू लगा दिया तो शॉर्ट दिया। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लगा दू तो ये क्या करेगा, इसका कंप्लीट मंथ देगा जुलाई। ठीक है जी, बाकी तो आप इसको यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन से फॉर्मूला आपको नहीं आया। लेकिन मेरे हिसाब से सारे फॉर्मूले इसमें आपको आ जाएंगे। फिर मैथमेटिक्स में कोई खास फॉर्मूला सीखने को नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूले। लॉजिकल फॉर्मूले हम कर चुके हैं, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, हम बता चुके हैं सारे लॉजिकल इफ कंडीशन में। इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला हमारा अगला टॉपिक होगा। इन्फॉर्मेशन फॉर्मूले का यूज हम लोग अगले जो चैप्टर आपका है वो है यूजर फॉर्म, उसमें बहुत करते हैं। तो अगली कैटेगरी पे बात करेंगे हम इंफॉर्मेशन कैटेगरी, उसके बाद जो है फाइल डायरेक्टरी है, उसके बाद बाकी जो है ऐसे छोटे मोटे फॉर्म है वो तो आप खुद भी सीख जाएंगे। तो दो क्लास आपकी फंक्शन पर रहेगी, उसके बाद हम अगली क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टाइम शेड्यूल को अपने एंड से देख लीजिएगा। बड़ी दिक्कत होगी तो कॉल कर लीजिएगा, बड़ी दिक्कत होगी तो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। अभी क्लासेस जो है सर आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी तक जो है मैंने मेहनत किया है, अब आपकी बारी आती है, आप मेहनत करेंगे सर। श्योर। यूजर फॉर्म में मुझे मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट।